आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम, मतलब हर घंटे हर पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है क्विक सपोर्ट चैनल पर कि हम आपको हर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्म करें ताकि आप हर चीज से अपडेट रहे। तो आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। अब नैनो कार के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, इस कार की खासियत इसका छोटा साइज था। तो बस ऐसी ही होती है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स को काम में लिया जाता है और ये टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि फ्यूचर में इसका हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा। नैनो साइंस का इस्तेमाल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग जैसे साइंस फील्ड्स में भी किया जा सकता है। ऐसे में आपको भी नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी खास बातें जान लेनी चाहिए, इसीलिए आज क्विक सपोर्ट इस वीडियो में आपके लिए नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खास बातें लेकर आया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंध रखने वाला नैनो एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ज्यादा छोटे आकार के तत्वों से बना होता है। इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी या अप्लाइड साइंस है जो 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स पर काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी में मैटर को न्यूक्लियर, एटॉमिक और सुपरा मॉलिक्यूलर स्केल पर कंट्रोल करने की स्टडी की जाती है। अब जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। आज भले ही नैनो टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी कोई नई टर्म नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही केमिस्ट पॉलीमर्स बना चुके हैं और कंप्यूटर चिप्स में भी इसका इस्तेमाल पिछले 20 सालों से होता आ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी भले ही छोटे आकार के पार्टिकल्स पर काम करती है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से एनर्जी कंजप्शन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है और बहुत सारी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात ये भी है कि इससे बने प्रोडक्ट्स आकार में छोटे होंगे, वजन में हल्के होंगे और कीमत में तुलनात्मक रूप से सस्ते होंगे। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स को बनाने में रॉ मटेरियल भी कम लगेगा और इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बायोसाइंस, मेडिकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में तेजी से उछाल आ जाएगा। तो बात करें अगर कि नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया कहाँ से आया, तो नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया भौतिक शास्त्री रिचर्ड फैनमैन के उस लेक्चर से आया जब एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि देयर इज प्लेंटी रूम एट द बॉटम, और 29 दिसंबर 1959 यानी कि 29th of December 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिक सोसाइटी की मीटिंग में कही गई ये बात ही नैनो टेक्नोलॉजी का आधार बनी। और एक दशक के बाद ही प्रोफेसर नोरियो तनिगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और 1981 यानी कि 1981 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तब से नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है और आज नैनो टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि नैनो यानी बहुत छोटा, लेकिन नैनो साइज को समझे कैसे। तो एक नैनोमीटर एक मीटर का 1 मिलियनवा हिस्सा यानी कि 1 अरबवा होता है, और 1 इंच में 25,400,000 नैनोमीटर होते हैं। न्यूज़पेपर की एक शीट लगभग 1 लाख नैनोमीटर होती है, और अगर एक कंपैरेटिव स्केल पर एक संगमरमर एक नैनोमीटर का है तो उस स्केल पर 1 मीटर पृथ्वी के साइज जितना होगा। इतना जानने के बाद आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि नैनोमीटर कितने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे लिया जा सकता है, और ये बहुत जरूरी है जानना। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के ऐसी सूक्ष्म दवा बनाई जा सकेगी जो शरीर में मौजूद अनगिनत कोशिकाओं में से कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उसका अलग से इलाज कर सकेगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी मटेरियल की मॉलिक्यूलर असेंबलिंग को आसानी से समझा जा सकता है और उसका साइज हमारे बाल जितना छोटा बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत बेहतर बनाई जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खाद बनाई जा सकती है और ऐसा करके फसल उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्रियल एरियाज और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को हानि रहित गैस में बदला जा सकता है। ऐसा करने से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, और इतना ही नहीं आगे चलकर
नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बल्ब में भी किया जाएगा, जिससे बिजली की खपत कम और रोशनी ज्यादा हो सकेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाला टाइम नैनो टेक्नोलॉजी का ही टाइम होगा, जब हर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और हर फील्ड में बेहतर बदलाव हो सकेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी खास बातें जानने के बाद ये जान लेना भी बेहतर होगा कि इस टेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, एनवायरमेंट साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सिक्योरिटी, फैब्रिक्स, मेडिकल, एग्रीकल्चर, डिफेंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे बहुत से कमाल के फील्ड से जहां पर आप करियर बना सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप इस फील्ड से जुड़ा कोर्स कर ले तो आपको अच्छे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में आप ये कोर्सेज कर सकते हैं: बीई नैनो टेक्नोलॉजी, बीटेक नैनो टेक्नोलॉजी, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी और एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी। तो अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में से किसी एक में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10+2 क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से पास करना जरूरी है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा और साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी में एमएससी करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ बीएससी की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, केमिकल में से किसी भी एक सब्जेक्ट में बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी भी कर सकते हैं और इसी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े डिग्री कोर्सेज उपलब्ध करवाने वाले, अवेलेबल करवाने वाले इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, आईआईटी रुड़की मुंबई, गुवाहाटी और कानपुर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और बिट्स हैदराबाद। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और एडवांस बना सकती है, ये आपने इस वीडियो में जान लिया है। और खास बात ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में आप करियर भी बना सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि आगे बहुत सारे रास्ते आपको मिले होंगे, आपको समझ में आया होगा कि इस फील्ड में आपको जाना है या नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही इसे लाइक करने के साथ सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो हमें लिख भेजिए और ऐसी जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।